साथियों, आज के सत्र में चर्चा होगी खरबूजा, फूड फैक्ट या भोजन तत्व की जो श्रृंखला है उसकी अगली कड़ी खरबूजा मस्ट मिलियन। आइए देखते हैं। खरबूजा खाने के फायदे। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी अपने YouTube चैनल आयुर्वेद विद राकेश सिंह बक्सी पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे ग्रीष्म ऋतु में ताजे रसीले फलों की जो श्रृंखला चल रही है उसकी जो अगली कड़ी है वो है खरबूजा। पहले बात हुई तरबूजा के ऊपर, आम, ककड़ी और ऐसे रस भरे जो फल जो आपको ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक फायदा पहुंचाते हैं, आपके शरीर को हाइड्रेट रखते हैं यानी कि निर्जलीकरण से बचाते हैं, उन्हीं में से एक खरबूजा है। खरबूजा स्वाद में स्वादिष्ट, रुचिकर, बलदायक, तत्काल शक्ति प्रदान करने वाला और शीतल होता है, काफी यह ठंडा होता है, तो ये बढ़ी हुई गर्मी को भी शांत और शमन करता है। इसमें 92% पानी होता है। साथियों, कैलोरी की बात करें तो 34% कैलोरी इसमें पाई जाती है। 1 कप खरबूजा की, या लगभग मैं कहूँ आपसे 100 ग्राम की मात्रा में जो तत्व, पोषक तत्व पाए जाते हैं उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। तो साथियों, इसमें कोलेस्ट्रॉल 0% होता है, वहीं पर डाइट्री फाइबर 0.3% है, प्रोटीन इसमें 1% होता है, पोटेशियम की इसमें मात्रा पाई जाती है 0.7%, आयरन की 0.1% और मैग्नीशियम 0.3%, विटामिन सी 0.11% और विटामिन B6 0.5%। साथियों, इसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स होने के कारण से यह ग्रीष्म ऋतु में ये आपके लिए काफ़ी स्वास्थ्यदायक होता है। इसमें जो गुण प्राप्त होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता इससे प्राप्त होती है, इसलिए खरबूजा का सेवन भी आपको अवश्य करना चाहिए। पाचन शक्ति के लिए यह रामबाण है। यदि आपको कब्ज है तो आप खरबूजा 100 ग्राम खरबूजा यदि आप खा लेते हैं तो ये मान के चलें कि आपकी कब्ज की समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हाँ, इसमें जो शुगर प्रतिशत है वो तरबूजे की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में होता है, 0.8% शुगर इसमें होती है, तो इसलिए शुगर पेशेंट या मधुमेह के जो बीमार हैं वो इसको कम मात्रा में या फिर अपने शुगर लेवल को जांच लें और उसके बाद ही इसका सेवन करें, क्योंकि ये खरबूजा या कैटालू या मस्कमिलियन शुगर कंटेंट होने के कारण से मधुमेह के मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आँखों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है, आँखों को शक्ति प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, ये काफ़ी शीतल भी होता है, तो ये आँखों को स्वस्थ बनाता है। त्वचा में चमक और ग्लो प्रत्येक फल लाते हैं, इसी प्रकार से यह भी इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से ये त्वचा में भी चमक लाता है। हाँ, इसमें दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। नंबर एक, इसके गर्म फल को सेवन करने में बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना होती है, तो जब भी आप खरबूजा खाएं तो उसको बहुत ही ठंडा और शीतल कर लेना चाहिए, या तो ठंडे पानी में डाल दें या आजकल फ्रिज की सुविधा है जिनके पास, तो उसको काट के और टुकड़े बना के और अच्छे अपने फ्रिज में रख लें, जब वो ठंडा हो जाए तो उसका सेवन करें। दूसरा, साथ ही उसको खाली पेट भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप खाली पेट खाते हैं या गर्म खाते हैं तो आपको हैजा या डायरिया या दस्त होने की संभावना होती है। इसको अधिक मात्रा में सेवन भी नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में यदि आप सेवन करते हैं तो आप निश्चित तौर पर दस्त, हैजा या डायरिया के शिकार हो सकते हैं। तो इसको खाने की मात्रा जहाँ तक कहें हम आपसे, तो 1 कप या 100 ग्राम लगभग आप एक बार में खा सकते हैं। और सर्वाधिक उपयुक्त समय नाश्ते के बाद, आप एक कटोरी या 100 ग्राम खरबूजा या मस्कमेलन का सेवन
कर सकते हैं। भोजन के बाद भी इसको आप ग्रहण कर सकते हैं। बाकी रात्रि में इसका सेवन निषेध बताया गया है, क्योंकि यह बहुत अधिक शीतल होने के कारण से यह मूत्रल है, यानी कि मूत्र के लिए आपको बार बार जाना पड़ेगा, प्रेरित करेगा यह, बाथरूम आपको बार बार जाना पड़ेगा, तो इन थोड़ा सा पचने में भी भारी होता है, इसलिए इसका रात्रि में सेवन निषेध बताया गया है। कोई भी फल रात्रि में उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि शीतल भी होता है। एक बात और ध्यान रखना चाहिए साथियों, खरबूजा खाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें जो खरबूजा आप खा रहे हैं वो खट्टा ना हो। खट्टा या कड़वा खरबूजा यदि आप खाते हैं तो उससे रक्तपित्त नामक बीमारी होने की संभावना होती है। दूसरा, अधिक मात्रा में खट्टा खरबूजा जब आप खा लेते हैं तो सुजाक नाम की जो बीमारी होती है आयुर्वेद में वो भी होने की संभावना होती है। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद एक चिकित्सा प्रणाली ही नहीं है, कई बार मैंने पहले भी कहा है और आज फिर बता रहा हूँ कि आयुर्वेद जो है एक जीवन जीने की कला है। एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, इस तरीके की पूरी प्रक्रिया है आयुर्वेद। तो हमारे चैनल की भी यही कोशिश साथियों कि आप अपने आहार विहार या ऋतु परिवर्तन में होने वाले परिवर्तनों से कैसे आप बचे रहें या कौन सी चीज़ें खाएं ताकि उस ऋतु में आप स्वस्थ रह सकें। तो ग्रीष्म ऋतु में रसीले फल आते भी हैं और ये खाने से आपको ग्रीष्म की जो लू या कहना चाहिए गर्म हवाएं हैं उनसे आप बच सकते हैं और आपका स्वास्थ्य उत्तम रह सकता है। आज आपसे चर्चा हुई खरबूजा के गुणों के बारे में, पिछले वीडियो आपने देखे ककड़ी और खीरा के विषय में, साथ ही तरबूज के आयुर्वेदिक गुण, रसीले फल आम फलों का राजा इसके बारे में जानकारी देखी आपने। यदि नहीं देखी तो पिछले वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अगले वीडियो आने वाले हैं नारियल पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं, इलायची खाने के क्या फ़ायदे हैं, साथियों अन्य विषय जैसे कि दूध के आयुर्वेदिक गुण क्या हैं, मही या छाछ किस प्रकार से पीना चाहिए, शुद्ध देसी घी खाने के क्या फ़ायदे हैं और क्यों खाना चाहिए, इस विषय में जो भी भ्रांतियाँ हैं वो आपको दूर करनी है तो इनको आप देखें। दूध घी और दही खाने का तरीका, क्या खाएं, कैसे खाएं, भोजन जहर कब बन जाता है, एक बहुत लंबी श्रृंखला है साथियों। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर थोड़ा सा समय निकाल के देखें। आप वजन कम कैसे कर सकते हैं, गर्मी से कैसे बचे रह सकते हैं, गर्मी में अपने खान पान से अपने केवल रहन सहन की आदत बदल के स्वस्थ रह सकते हैं आप, तो इन सारे तरीकों के विषयों में जो भी आपको जानकारी चाहिए तो, और कोई नया विषय आपको चाहिए तो कृपया कर कमेंट करके आप बताएं।